बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स क्लास 10 से। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है पीछे से तो प्लेलिस्ट से सोल्व कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, जो किसी भी चैप्टर का बेसिक होता है, और इसमें देखेंगे कि जो थर्ड चैप्टर है उसमें किस किस टर्म का यूज किया गया है, कौन कौन से टॉपिक है, उसका ओवरव्यू लेंगे। क्लियर? तो उसके बाद क्या दिया गया है, अभी हमारा सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे प्रीवियस वीडियो, इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल में कुछ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया था। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था, जिसकी डिग्री 1 थी, वो क्या कहलाता था? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। लीनियर पॉलिनोमियल था मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल था। बट किस में था? वो एक वेरिएबल में हमने स्टडी किया था, जैसे x+5=0। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। जैसे z+z²+7z+5=0, ये तो क्वाड्रेटिक हो गए, ये पॉलिनोमियल हो गए, क्वाड्रेटिक है। बट हम सिर्फ लीनियर की बात करेंगे, जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर का मतलब ही क्या होता है? डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, वो लीनियर होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा था तो उसमें हमने एक वेरिएबल की बात की थी, बट जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें हम दो वेरिएबल की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। 2 वेरिएबल x+y+7=0। अब इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, एक तो x है और एक y है, 2 वेरिएबल दिए गए हैं। बट दोनों की डिग्री कितनी है? 1 है, 1 पावर है। तो ये कैसी हो गई? ये लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हो गई कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो जो हमारे जो चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अच्छे से समझ में आया? लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए कोई भी। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं हम, 7x+8y+9=0। ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया? 1। और कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। क्लियर हुआ अच्छे से टॉपिक? अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके आगे हम स्टडी करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसके सॉल्यूशन होते हैं, तो विच हैविंग सॉल्यूशन, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन के इन 1 वेरिएबल में सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरा टाइप क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है, विच हैविंग नो सॉल्यूशन, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। टू पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और जिस पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आगे हम स्टडी करते हैं। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, तो ये तीन टाइप की होती है। या तो ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट लाइन, या ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्साइड करेंगी, या ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल रहेंगी। तो ये जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दिया गया है, या तो ये कॉन्साइड करेंगी, या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहेंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी। जब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हमें पता चलेगा, पैरेलल जब दो लाइन दी गई या तो इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, या कॉन्साइड करती है, और या पैरेलल रहती है। अब इंटरसेक्ट का मतलब तो पता ही है सभी को, किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब एक सॉल्यूशन दोनों में कॉमन आ रहा है, वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट लाइन। उसके बाद कॉन्साइड लाइन क्या होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल कवर कर रही है, तो क्या होती है, कॉन्साइड लाइन होती है। और पैरेलल लाइन क्या होती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये पैरेलल लाइन होती है। तो हमारे पास कितना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल रहेंगी, या वो कॉन्साइड करेंगी। क्लियर। आगे हम इस पे देखते हैं कि इंटरसेक्ट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, और कॉन्साइड लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, जो पेयर ऑफ लाइन दिए गए हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे पता चलेगा जो पेयर ऑफ इक्वेशन वो इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल होंगे, या वो कॉन्साइड करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लाइन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन भी लिख सकते हो, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जेड एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जेड। ये दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल में दी गई है। अब हमारे पास इसके तीन ही केस है, या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, या ये कॉन्साइड करेंगी, या ये पैरेलल रहेंगी, तीन ही केस हमारे पास। तो पहला है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग करेंगी तो देन ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब सेकेंड करते हैं हम इसका, सेकेंड ये कॉन्साइड करेंगी, अगर ये कॉन्साइड कर रही है एक दूसरे के
तो कैसे करेंगे ये? A1 by A2, B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो इनके तीनों कोफिशियंट की वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में कोइंसाइड करेंगी। नेक्स्ट 3, पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल कब रहेंगी? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है देन क्या हो जाएगा? A1 upon A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2। ये तीनों चीज हमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही अच्छे से पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके बिना जो ये थर्ड चैप्टर है ये हमारा सोल्व नहीं होगा। पहला है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद अगर ये कोइंसाइड कर रही है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, और पैरेलल है तो फर्स्ट दो तो इक्वल होंगे पर थर्ड के साथ इक्वल नहीं होगा। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है और ये पैरेलल है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, किसी एक कॉमन पॉइंट पे कंसीडर करेगा तो इसका वन सॉल्यूशन रहेगा। अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो कैसी इक्वेशन हो जाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड का मतलब ऊपर नीचे दोनों लाइन आपस में करो एक दूसरे से होके गुजर रहे हैं, तो उसके भी बहुत कॉमन पॉइंट है और सॉल्यूशन क्या होता है? कॉमन पॉइंट। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन है किसी पेयर ऑफ इक्वेशन में तो वो क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल है तो आपस में कहीं भी क्रॉस नहीं करेगी, और जहां कट नहीं कर रही तो आपस में इनका कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। तो हमारा थर्ड चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं सिर्फ 10th क्लास के नहीं, हायर क्लासेस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो सबसे पहले ये हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज पे बेस क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग सोल्व होंगे। तो अगर हमसे पूछे कि दो पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? तो हम उसके दोनों कोफिशियंट को अगर A1 upon A2 और B1 upon B2 इक्वल नहीं होंगे तो इट मींस वो कट नहीं, इट मींस वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, और कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? वन सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ टाइम तो ये पूछा जाता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, क्लियर? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा? A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड में कोइंसाइड कर रही है तो तीनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। थर्ड में पैरेलल लाइन है तो फर्स्ट दो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, थर्ड वाले नॉट इक्वल टू, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, पहले ये याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।